पहले जमकर घोटाला, फिर मीडिया से आंख में चोली। कुछ यही कर रहे हैं बीजेपी सांसद गुमान सिंह, जहां इत्र कारोबारी के काले धन का खुलासा होने के बाद देश भर में बड़े बड़े कारोबारियों के साथ नेताओं पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में एमपी के झाबुआ और रतलाम से बीजेपी सांसद गुमार सिंह डोमरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 600 करोड़ के हैंडपंप घोटाले के आरोप में फंसे सांसद अब भागे फिर रहे हैं। इस घोटाले में बीजेपी सांसद का नाम आने से पार्टी की आला कमान भी कहीं ना कहीं असहज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि मामले में गुमान सिंह डामोर का नाम आते ही वो मीडिया से भागते फिर रहे हैं। पूरा मामला आदिवासी इलाके में स्वच्छ पानी से जुड़ा हुआ है। आदिवासियों के इलाकों में शुद्ध पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन सरकारी खाते का खजाना भर गया है। बता दें कि आदिवासी इलाकों में पीने के लिए आज भी साफ पानी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अगर पानी है तो वो भी फ्लोराइड युक्त है। इस वजह से वहाँ के लोगों में फ्लोराइसिस के मरीज देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, इन आदिवासी इलाकों में फ्लोराइसिस की खतरा इतना ज्यादा है कि वहाँ के लोग दिव्यांग हो रहे हैं। उनके पैर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। स्थानीय लोगों की माने तो फ्लोराइड युक्त पानी उनके लिए किसी जहर से कम नहीं, लिहाजा आदिवासी लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के नाम पर हैंडपंप लगाने की जगह सांसद ने अपनी तिजोरी भर दी। हैंडपंप लगाने के नाम पर सरकारी खजाने से करीब 600 करोड़ रुपए निकाले गए, लेकिन इसके बावजूद भी इन रिहायशी इलाकों में अब तक शुद्ध पानी के हैंडपंप नहीं लगा पाए। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलीराजपुर जिले के करीब 500 से अधिक गांवों में आज भी 1000 के पार फ्लोरोसिस के मरीज हैं। 600 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकालने के बाद भी वो पानी के लिए आज भी उतना ही जतन कर रहे हैं। जहां फ्लोरोसिस पीड़ित गांवों में शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार ने 1.5 दशक पहले फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना बनाई थी, लेकिन परियोजना का फायदा गाँव वालों की जगह बीजेपी सांसद को हो गया। ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद सांसद को भी कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले में सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कोर्ट में 17 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी, जिसके तहत सभी आरोपियों को कोर्ट में उस दिन उपस्थित होना पड़ेगा। मामले में सांसद गुमान सिंह डामोर के साथ तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा समेत अन्य दो अफसरों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है।